हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जाने वाले हैं माड़ी पे अपने मामा के साथ। चल तुम्हें लेके चलेंगे माड़ी पे। कौन सी मामा, दूर वाली है पास वाली? पास वाले मामा। पास वाली माड़ी है दूर? और नहीं तो कर लिया नीचे की सफाई। आज चल रही है संडे है ना, तो नीचे की सफाई चल रही है। हेलो मम्मा। और शुभ देख रहा है अपनी मम्मा को। सफाई हो गई है, नाश्ता हमारा हो गया है सबका। अब हम दोपहर का डोसा वगैरह बनाएंगे। अभी हमने नाश्ता किया है। तो अब देखिए, अब आ गया है हिमांशु ट्यूशन से, और सुबह वो नाश्ता नहीं करके गया था। हम सब ने नाश्ता कर लिया है, इडली और सांभर के साथ। ये इडली बनी है और ये सांभर है। और मैं बता दूँ आपको कि आज मेरे मम्मी पापा भी आ रहे हैं। मम्मी पापा छोटे भाई के पास थे, 2 महीने से उनको बेटा हुआ था ना, तो उनके पास ही थे। तो आज वो आ रहे हैं यहाँ। जो बड़ा भैया रहता है ना मेरे पास, थोड़ी दूर है घर, तो वहाँ आ रहे हैं। तो मेरे पास भी आएंगे, तो वो आएंगे तो मैं आपको ज़रूर मिलवाऊँगी उनसे। क्या है अपना कार्यक्रम देखिए। डोसा बनाने का 2 तवे रख दिए इसने। 2 तवे तो बनाने पड़ेंगे ना जब बच्चे 1 साल बैठेंगे। तो ये दोनों रख दिए ना इसने, तो कह रही कि फटाफट हो जाएगा और सब जने खा लेंगे। और ये बना के रखा है सब। और देख सारा किचन खराब कर देने, तो इतनी तो सफाई हो रही थी ना किचन की बहुत ज़्यादा। क्या करूँ अभी तो फैल गया, ये मेरे से गिर गया ना, इसमें डाल रही थी मैं, तब गिर गया। उस पर भी रेडी हो रहा है और इस पर भी रेडी हो रहा है, देख सकते हैं आप। आप भी खाइए हमारे साथ। हमारे साथ हमारी ना नारियल की चटनी नहीं बनी क्योंकि किसी ने नारियल लाके नहीं दिया। सब ऐसे खाएंगे। बच्चों का मैंने खाना लगा दिया, तो नीतू लेके जा रही है। नीतू बोल रही है कि मेरी हेल्प करा, तो मैं या तो ब्लॉग बना सकती हूँ या हेल्प कर सकती हूँ, बस एक ही काम होता है। तो नीतू कह रही कि फ़ोन रख दे, बार बार मुझे यही कह रही है कि फ़ोन रख दे। अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, तो ब्लॉगिंग बंद करके फिर मैं इसकी हेल्प कराती हूँ। और बहुत ही अच्छे लगता है ना, मुझे इडली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मुझे ये डोसा बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने इसके तक कहा है कि मैं कहा डोसा ज़रूर बनाना भाई, नहीं तो इडली बना लेते हैं, बस ये सांभर और इडली बना लेते हो तुम, बस वो आसानी से बन जाती है। हाँ वो आसानी से बन जाती है। वैसे सुबह बनाई थी। तो गाइस देखिए, सांदा मुझे बहुत टेस्टी लगा, मम्मी ने बनाया है। तो मम्मी लेके आई है मेरे लिए बहुत सारा सांदा, ये टेस्टी बहुत है। और वैशाली कह रही कि सारा मेरे लिए रख दो, और देखो कैसे डोसा खा लो। आप डोसा खाना शुरू करते। और ये सुबह के नाना आ गए, मैंने आपको बताया था कि पापा आएंगे आज। ये पापा आ गए हैं। और शुभ, शुभ को पता नहीं था, शुभ को सरप्राइज मिला। शुभ हैं? हाँ सरप्राइज मिला भाई शुभ को तो। और मम्मी अभी घर पे ही है, आई नहीं। और ये बहुत देर बाद हमारी मैडम आई है किचन में। मैं चाची के लिए बना रही हूँ। अच्छा चाची के लिए बना रही है बस। तो मैंने खा, चाची ने सबको खिला दिया, वो बैठी हुई वो खा रही, देखो कितनी अच्छी तरह से खा रही है। और ये सब देखो उनकी रोज लड़े मिले की सुनने में। और सुखी नानी आ गई। अब सुखी नानी आ गई है, सुखी नानी। कितनी नानी हो गए? सुखी नानी आ गई, सुखी नानी मेरा बेटा। और नीतू माड़ी के लिए रेडी हो रही है। रेडी घर में कैसे आई? जैसे थे नीतू, जैसी भी थी ना नीतू, ऐसी घर पे ऐसे ऐसे ही आ गई। हाँ बेटा। और हर चीज सारा। और माड़ी जाने के लिए फिर तैयार हो गई इसके साथ, फिर बैठ गई गाड़ी में। और मुझे देखो कैसे बैठा रखा बच्चों को तरह। जैसे नीतू घर पे थी और मैं घर पे थी, ऐसे ही आ गए हम बैठ गए। और माड़ी पे पहुंच गए हैं, माड़ी के अंदर ही आ गए हैं। और अब भीड़ कम है क्योंकि शाम के टाइम आया है, तो भीड़ कम है। देखो नमस्कार साहब, आप भैया और भाभी आए हैं आज, इनके साथ आए हैं हम। नहीं तो हम पिछले संडे आ गए थे, और शुभ भी आ गया था। शुभ को बैठा, हमारी मैडम भी आ गई है। बहुत
पीछे से प्रसाद लिया है, आप देख सकते हो ये वहाँ से ही लेके आई है प्रसाद और हम आगे से ले रहे हैं। प्रसाद आज भी आ गया, संडे पापा ने बुलाया था, संडे फिर बुला लिया, फिर बुला लिया, तो हम आज भी आ गए माटी के दर्शन करने के लिए और आप सबको भी आपको भी कराएंगे। नहीं हुआ नहीं हुआ हो गया हो गया हो गया। और ये मैडम मिल गई हमारी बहन यहाँ, और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। 15 दिन हो गया है, कितना पता ले लिया हूँ, बुखार हो गया और इन्होंने इनको आपके पिछले ब्लॉग में देखा होगा कीर्तन कराया था इन्होंने, गाने वाली बुला रखी थी कीर्तन में, आपने देखा होगा राधे 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 राधे। मिला और ये छोटू है हमारे भैया, देख सकते हो आप, ये माड़ी के दर्शन करने आए हैं। ठीक हो? बढ़िया। और क्या हो रहा है? बस बढ़िया, यही माड़ी पे प्रसाद चढ़ाने आई थी राकेश। अकेले माड़ी पे से निकल रहे हैं, गाड़ी लेके आ गया भैया, चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको घर। और ये मंदिर है यहाँ का, देख लीजिए आप, तो फ्रेंड्स बस आज संडे में आप लोगों ने देखा हमने आज क्या क्या किया संडे में, आज की वीडियो में इतना ही दिखाएंगे, अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और हमारी वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी।